आज हम तीन या तीन से अधिक आकारों को मिलाकर कुछ दिलचस्प वस्तुएं बनाना सीखेंगे। तो चलिए फिर क्लास में चलते हैं। बच्चों बताओ कि आपका पसंदीदा कार्टून कौन सा है? मेरा पसंदीदा कार्टून मिकी माउस है। तो चलो फिर मुझे बताओ कि मिकी माउस का चित्र आप कौन से आकार से बना सकते हो? यह छह वृत्त सर्कल्स को जोड़कर बनाया जा सकता है। एक वृत्त से उसका बड़ा सा मुंह बनाया जाएगा, दो वृत्त उसके कानों के लिए, दो वृत्त उसकी आंखों के लिए और एक वृत्त उसकी नाक के लिए। बिल्कुल सही। अब यह बताओ कि क्या तुम में से कोई बिल्ली का चित्र बना सकता है? हाँ टीचर जी, मैं कोशिश करती हूँ। सबसे पहले तीन वृत्त से उसका मुंह और आंखें बनाई, फिर छह आयत रेक्टेंगल से उसका शरीर, उसकी पूंछ और चारों पैर बना सकते हैं। अब चार त्रिभुज ट्रायंगल से उसके कान, नाक और पूंछ का ऊपरी हिस्सा बनाएंगे। अंत में चार वर्ग स्क्वायर से उसके पंजे। लो बन गई बिल्ली। टीचर जी क्या यह सही है? बहुत बढ़िया प्रिया, यह तो बहुत मजेदार चित्र बना। आप सबने ट्रेन तो देखी ही है। चलो आज हम आयत, वृत्त, त्रिभुज और वर्ग की सहायता से ट्रेन का इंजन बनाते हैं। आप चाहें तो वीडियो को यहाँ रोक कर सोच सकते हैं। यह देखो, इसके पहिए वृत्त जैसे। इसकी चिमनी दो आयतों से बनी है। आयत पूरा इंजन बनाने के लिए और एक खिड़की वर्ग के आकार की। कैसा लगा बच्चों? क्या आप बता सकती हैं कि इस चित्र में आयत, वर्ग, त्रिभुज और वृत्त की कुल संख्या कितनी दिख रही है? मदद के लिए अपने दोस्तों और अध्यापिका की सहायता लें। तो बच्चों देखा आपने कैसे हमने तीन या तीन से अधिक आकारों को मिलाकर वस्तुओं के चित्र बनाए। अब आप भी इन आकारों की मदद से अलग अलग और सुंदर चित्र बनाइए। धन्यवाद।